पुरानी कहावत है कि अगर धुआं नजर आ रहा है तो आग जरूर लगी होती है। इस कहावत को लोग यूपी में भाजपा और ब्राह्मण वोटर्स के बीच जोड़ करके देख रहे हैं। भाजपा ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला बनाए गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूपी के ब्राह्मण नेताओं में भी नाराजगी है, और ये नाराजगी उस वक्त खुल करके आई जब यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को बुलाया था। और इस बैठक के अंदर क्या क्या बातें हुई आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ब्राह्मण नाराज, फूटा नेताओं का गुबार, यूपी का रण, क्या वोट देंगे ब्राह्मण? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग ब्राह्मण सेंट्रिक हो गई है। जहां सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को रिझाने में जुटे हैं, वहीं भाजपा को ब्राह्मणों की नाराजगी अंदर से खाए जा रही, क्योंकि जो बात अब तक पर्दे के पीछे थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि भाजपा को लेकर ब्राह्मण किस कदर नाराज हैं, भाजपा के ब्राह्मण नेता इस पर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी शामिल हुए, लेकिन वो पूरे वक्त साइलेंट मोड में बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन इसी बैठक में शामिल दो बड़े नेताओं ने एबीपी गंगा को बताया कि ब्राह्मण समाज में बनी नाराजगी को लेकर भाजपा परेशान है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस नेता ने क्या कहा और किस तरह अपनी नाराजगी जताई। अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम ने शराब कांड में व्यक्ति और उसकी पत्नी को जेल भेजने पर नाराजगी जताई। जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया वो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी को जेल भेजने से समाज नाराज है, और ये नाराजगी उसकी पत्नी की मौत के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। सतीश गौतम ने सवाल उठाया कि आखिर पत्नी को जेल भेजने की क्या जरूरत थी। वहीं कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं है, कई ब्राह्मण मंत्री ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के ही काम नहीं करते। उन्होंने ये बात उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तरफ इशारा करके कही। महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि समाज में बने परसेप्शन को लेकर मैं पहले भी कहता रहा हूं और इसका निराकरण करने की जरूरत है। नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, ये परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज इस बात से भी नाराज है कि सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ज्वाइंट कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि ब्राह्मण समाज में नाराजगी को लेकर हमें गंभीर कोशिश करनी चाहिए। बैठक में ये बात भी कही गई कि अफसर नेताओं की सुनते नहीं है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा ने ब्राह्मण वोट को साधने के लिए सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से बैठक में ब्राह्मण नेताओं का गुबार फूटा, उससे सवाल बड़ा हो गया है। विकास भदौरिया, एबीपी गंगा, दिल्ली।